काशी की तर्ज पर जिले के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भी भव्य गंगा राप्ती महाआरती का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। प्रत्येक मंगलवार को पार्षद संजय श्रीवास्तव के द्वारा बनाए गए गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के द्वारा कराया जाएगा गंगा राप्ती आरती के शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर सीताराम जायसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। बता दें कि विधिवत पूजन पाठ कराने के बाद गंगा राप्ती मैया की आरती किया गया। आरती देखने के लिए गंगा घाट पर पूरा जनसैलाब पहुंचा हुआ था। सभी ने गंगा राप्ती मैया की आरती किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरती में शामिल श्रद्धालुओं, आयोजक पार्षद संजय श्रीवास्तव, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा व महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नदी पे बहुत पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के घर के पास ही में है राप्ती नदी और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जिससे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा पहले दूसरे शहरों में देखते थे पर अपने शहर में भी आके बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। पहली बार ही हो रहा है, पहले दूसरे शहरों में होता था बट अभी अपने शहर में होकर बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। थैंक यू शिवांगी पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज से पहले मैं हरिद्वार वगैरह जाया करती थी आरती के लिए और मैं यहीं पास में ही रहती हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं हर मंगलवार को आया करूँगी अब यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे गार्जियन महापौर जी के निर्देश पर हम यहाँ आरती शुरू करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को यहाँ आरती शुरू करने के लिए एक गुरु गोरक्षनाथ समिति अपने मोहल्ले वार्ड के नागरिकों के साथ बनाए हैं और उन्हीं लोगों के सहयोग से आज ये आरती शुरू करा रहे हैं जो प्रत्येक मंगलवार को यहाँ आरती संपन्न होगा। और आपके माध्यम से मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जब आप प्रत्येक मंगलवार को जब आरती करने आएँ तो 5 दीपक 10 दीपक अपने साथ ले कर आवें और अपने हाथों से दीपक को जलाएँ, बाकी का काम हम लोग करेंगे। और घाट को स्वच्छ बनाने के लिए अपने भी देखें और हम लोग को सूचना दें। आज गंगा आरती के तट पर ही राप्ती घाट पर गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भी आरती हो रही है, क्या कहेंगे आप? आज एक बहुत अच्छा अवसर है जो इसमें आज पूरी श्रद्धा के रूप में इसे हम लोग मना रहे हैं और माननीय महापौर जी के उपस्थिति में यहाँ गोरखपुर शहर के बहुत ढेर सारे नागरिकों ने आरती का आयोजन किया और हम सबके साथ आज के इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव जी, मदन अग्रहरी जी, पार्षद आलोक सिंह बिसेन जी और यहाँ के स्थानिक नागरिक, कई व्यापारी बंधु, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और साथ में साधु संत भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आरती का आयोजन किया, सब लोग सहभागी बने
हम लोग जनता से यही उम्मीद करते हैं कि इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह हम लोगों के गोरखपुर में ये 3 घाट का जो निर्माण किया है और इसको स्वच्छ साफ रखने में सबका योगदान रहे। नगर निगम अपने तरफ से सारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और इस परंपरा को अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि गोरखपुर का गौरव और भी बढ़े। महापौर जी जानते हुए यहाँ पे मंगलवार को क्या कहेंगे? देखिए माँ राप्ती की आरती आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में हुई है और उन्होंने इतना सुंदर एक घाट बनाया है, यहाँ सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित हो, इसलिए उद्घाटन के समय लोकार्पण के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने घाट बनवाया है और इसकी जिम्मेवारी यहाँ की जनता पर है, इसकी स्वच्छता की, इसकी आरती की। उसी संदर्भ में जैसे हरिद्वार में आरती होती है माँ गंगा जी की, फिर आरती भी माँ गंगा की सहायक नदियों में आती है और उसी के तहत आज जनमानस यहाँ उमड़ा हुआ है और हम लोग आरती कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपसभापति कृषि मोहन वर्मा जी, मदन नरहरि जी, स्थानीय पार्षद संजय जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी हम लोग इसको करते रहेंगे। तत्काल मंगलवार को शुरू किया गया है, आगे हमारी योजना है कि कोई ना कोई संस्था प्रतिदिन यहाँ पर आरती करे और माँ राप्ती को स्वच्छ रखने की व्रत ले। 40 फुट चौड़ा रोड अप्रोच बार हरवट बंदे से घाट तक बनाया जा रहा है जिसमें किसी को भी आने जाने में असुविधा नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि यहाँ पर रोड चौड़ी कर दी जाए, नाली बना दी जाए जिससे कि आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसी के तहत आप लोगों ने देखा होगा यहाँ काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है और ये जल्दी सड़क जनता को उपलब्ध हो जाएगी 1 माह के अंदर। मेयर साहब जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि आरती में आवे तो कुछ सामान या इस तरह का लेकर? मैं जनता से कहना चाहूँगा कि सभी माताएं बहनें तत्काल जो घोषणा है ये प्रोग्राम की, हर मंगलवार को सायंकाल यहाँ पर एक मट्टी का दीपक, तेल और बाती लेकर उपस्थित हो तो और ही इसकी भव्यता बढ़ेगी। जिन माता बहने नहीं लाएगी उन्हें यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर सब लोग चाहते हैं कि हम आरती करें तो सबको भी अपने घर से एक दीपक, तेल और बाती लेकर आना पड़ेगा जिससे हमारे घाट की शोभा बढ़ेगी। इसकी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय पार्षद, यहाँ की जनता देखे तो इसकी भव्यता बढ़ेगी। आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा।